गाइस, क्या आपको पता है हमारे फ्री फायर इंडिया का नेम चेंज होके फ्री फायर भारत होने वाला है। लेकिन क्यों? ये तो कुछ मैच ना हुआ। नहीं, मतलब इंडिया को ही तो भारत बोलते हैं ना, लेकिन फिर भी ये लोग फ्री फायर इंडिया को हटा के फ्री फायर भारत करने वाले। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? और कुछ प्लेयर्स तो ये भी बोल रहे कि भाई फ्री फायर इंडिया 5 सितंबर को इसी वजह से नहीं आया था क्योंकि उसका जो नेम है वो चेंज किया जा रहा था फ्री फायर इंडिया से फ्री फायर भारत। तो क्या सच है, क्या झूठ है, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलो गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हां, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे यहां से सेट कर लेना। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ। जैसे कि कुछ प्लेयर्स मेरे से पूछ रहे थे कि भाई जब हमारा फ्री फायर इंडिया आएगा तो उसके अंदर OB1 का अपडेट आएगा या फिर OB42 का अपडेट आएगा। जैसे कि अभी तो हमारा फ्री फायर मैक्स चल रहा है और फ्री फायर मैक्स के अंदर OB41 का अपडेट भी चल रहा है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट अपडेट आएगा उस टाइम तक हमारा फ्री फायर इंडिया भी आ जाएगा और हम लोग फ्री फायर इंडिया के अंदर चले जाएंगे। तो उस टाइम पे हमें फ्री फायर इंडिया के अंदर OB1 का अपडेट देखने को मिलेगा या फिर OB42 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो गाइस देखो, मैं आप लोग को बता दूं, फ्री फायर इंडिया के अंदर भी आप लोग को OB42 का ही अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को याद होगा जब हमारा फ्री फायर मैक्स आया था, फ्री फायर से हम लोग फ्री फायर मैक्स के अंदर आए थे तो उसके अंदर OB1 का अपडेट नहीं आया था, डायरेक्टली जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा था। तो गाइस जो हमारा फ्री फायर इंडिया आने वाला है ना, उसके अंदर भी आप लोग को OB42 का ही अपडेट देखने को मिलेगा क्योंकि सर्वर चेंज नहीं हो रहा है ना, सिर्फ एप्लीकेशन चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग फ्री फायर मैक्स के अंदर खेल रहे तो हम लोग फ्री फायर इंडिया के अंदर चले आएंगे, लेकिन जो हमारा इंडियन सर्वर है ना वो तो सेम ही रहेगा ना। तो इसी वजह से गाइस आप लोग को उसके अंदर भी OB42 का ही अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। और गाइस हां, एक और इंपॉर्टेंट बात, कल ना मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर एक DM आ रहा था, उसमें भाई एक प्लेयर बहुत रो रहा था। भाई वो बोल रहा है कि भाई मेरा जो आईडी है ना वो किसी ने हैक कर लिया, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था फ्री फायर इंडिया का। तो गाइस देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही अवेयर किया था यार, मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर भी अच्छी तरीके से बता दिया था, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स यार पूरी वीडियो ही नहीं देखते, उनको समझ में नहीं आता है। इस वजह से मैं जब भी वीडियो बनाता हूं ना, आप लोग पूरी वीडियो को देखा करो, सारी वीडियो के अंदर पूरा फुल इन्फॉर्मेशन ही रहता है, तो वीडियो को एंड तक देखा करो। और गाइस अगर आपका आईडी बाय द चांस कैसे भी हैक हो गया है, बैन हो गया है फ्री फायर इंडिया को डाउनलोड करने के चक्कर में या फिर किसी और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के चक्कर में, तो गाइस इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों ने गलती की है, उसका पनिशमेंट आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर मैं अपनी आईडी के अंदर हैक लगाता हूं या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करता हूं तो भाई मेरी भी आईडी बैन होगी और गाइस मैं बचा नहीं सकता, भाई मैं यूट्यूबर होकर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कोई गरीना वाले सबके लिए सेम ही होते हैं भाई, अगर आप लोग गलती करोगे तो आप लोग को पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इसी वजह से मैं आप लोग को पहले ही अवेयर करता हूं, भाई आप लोग कोई भी ऐसे स्कैम के चक्कर में मत पड़ो, फिलहाल आप लोग गेम खेलो यार, मजे करो, आप लोग को अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। वैसे भी फ्री फायर इंडिया के नेम पे बहुत सारे स्कैम चल रहे, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्री फायर इंडिया अभी तक नहीं आया है और जब भी फ्री फायर इंडिया आ जाएगा ना ऑफिशियली, मैं आप लोगों को खुद वीडियो बनाकर बता दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अब गाइस हम लोग बात करते हैं नेम चेंज के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने कुछ यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो लोग बता रहे हैं कि फ्री फायर इंडिया का नेम चेंज करके फ्री फायर भारत होने वाला है, तो क्या ये सच है? तो गाइस देखो, ये पूरा सच नहीं है, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे इंडिया का नेम चेंज होगा। जैसे कि देखो, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप लोग न्यूज वगैरह देखते होगे तो वहां पर दिखाया जा रहा है कि जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया का ही नेम चेंज करके भारत किया जाने वाला है। जैसे कि जो इंडिया है वो एक अंग्रेजी शब्द है, मतलब कि इंग्लिश वर्ड है, और वो ना अंग्रेजों ने दिया था, ब्रिटिश ने दिया था। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि भाई हमारे इंडिया का नेम चेंज करके भारत किया जाए, ठीक है। और इसके ऊपर ना अभी चर्चा चल रहा है, मतलब बातचीत चल रही है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि भाई इंडिया का नेम चेंज होकर भारत किया जाए। वैसे तो भारत काफी अच्छा रहेगा, आपकी क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि भाई हमारे इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर ही दिया जाए। इसके ऊपर अभी बातचीत चल रहा है क्योंकि पूरे देश का नेम चेंज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। अगर इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाएगा तो इंडिया के नेम पे जितने भी गवर्नमेंट्स आईडी है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो गाइस उन सभी का भी नेम चेंज करना पड़ेगा। और गाइस ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी भाई, ये तो एकदम से बहुत बड़ा एक तरह से एक न्यूज फैल जाएगा और आप सभी को पता चल जाएगा। और जब हमारा इंडिया का नाम फाइनली चेंज हो जाएगा, भारत हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स भाई फ्री फायर इंडिया को चेंज करके फ्री फायर भारत किया जाएगा, ये तो छोटी बात है यार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई हमारे इंडिया का नाम चेंज होगा, भाई इंडिया का नाम चेंज हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, और यार इसके आगे तो फ्री फायर एकदम से छोटा बच्चा है, ठीक है। तो अगर इंडिया का नाम चेंज होता है तो भाई फ्री फायर का भी नेम चेंज कर दिया जाएगा। और कुछ प्लेयर्स बोल रहे कि भाई 5 सितंबर को इसी वजह से फ्री फायर नहीं आया था, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्री फायर के अंदर डेटा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब डेटा ट्रांसफर करना था और गाइस उतना टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से फ्री फायर वालों ने उसको पोस्टपोन कर दिया है, ना कि नाम की वजह से। अगर उनको नेम चेंज करना ही होगा ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसान सा काम है, हमारे गेम के अंदर एक छोटा सा अपडेट आएगा और गाइस हमारे गेम के अंदर जो भी लोडिंग स्क्रीन वगैरह है ना, वहां पर इंडिया की जगह भारत कर देंगे और गाइस ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर भारत कर देंगे।
करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए एक छोटा सा काम है, इसके लिए गाइस ये लोग इतने दिन गेम पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि भाई फ्री फायर इंडिया को फ्री फायर भारत क्यों किया जा रहा है, और गाइस मैंने आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो होपफुली आप लोगों को आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई भी डाउट है इन सभी चीजों से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिंदास पूछ सकते हो। तो बस गाइस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।